आज किस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अमेज़ॉन पे शिपिंग की सेटिंग्स करना सिखाऊंगा। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अपना पिकअप एड्रेस कैसे सेट करते हैं, शिपिंग के जो चार्जेस होते हैं वो कैसे सेट करते हैं, और शिपिंग में चार्जेस कितने लगते हैं मैं ये भी बताऊंगा। तो ये एक तरीके से बिगिनर्स के लिए वीडियो है, जो अमेज़ॉन पे बेचना शुरू कर रहे हैं, उन्हें शिपिंग वगैरह का पता नहीं रहता है कुछ, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने अमेज़ॉन का सेलर का जो डैशबोर्ड है उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ सेटिंग्स पाएंगे और यहाँ शिपिंग सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से यहाँ पे जो है पेज खुल जाएगा शिपिंग सेटिंग्स का, यहाँ इस तरीके से। अब यहाँ पे कुछ टैब्स दी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपका होगा डिफ़ॉल्ट शिपिंग एड्रेस। ये डिफ़ॉल्ट शिपिंग एड्रेस वो एड्रेस होगा जहाँ से आपका पिकअप वगैरह उठाया जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये सबका एड्रेस दिया होगा जिसने अमेजोन सेलर का अकाउंट बनाया होगा, उसका ये बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस दिया होगा। लेकिन फिर भी एड्रेस अगर नहीं दिया हो या फिर आपको इस एड्रेस में कुछ बदलाव करना है, तो आप यहाँ एडिट दबाएंगे और यहाँ पे या तो ऐड न्यू एड्रेस कर देंगे या फिर आप जो एग्जिस्टिंग एड्रेस है इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो एड्रेस का था, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें ऑपरेटिंग डेज और ऑर्डर कट ऑफ टाइम्स। तो अब ये ऑपरेटिंग डेज में क्या है, यहाँ पर एडिट करेंगे, एडिट दबाएंगे। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप किन किन दिनों में काम करना चाहते हैं, मतलब यहाँ मंडे से लेकर संडे तक दिया हुआ है, तो मैंने सब पे राइट लगाया हुआ है। आप अपने हिसाब से देखेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोशिश करके सब पे ही आप राइट लग रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके परफॉर्मेंस जो कि अच्छी होगी, ठीक है ना। अगर आप किसी दिन की लीव्स लगा देते हैं तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा एज ए सेलर। तो आप इसमें सब में राइट लगे रहने देंगे, ठीक है। मैं आपको साथ साथ गाइड भी करता जा रहा हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। इसके अलावा सेल्फ शिप के ऑर्डर का कट ऑफ टाइम है। ये कट ऑफ टाइम होता है जो मतलब अमेजोन जो आपका पिकअप करने आता है, अमेजोन के इजी इजी शिप वाले पिकअप करने आते हैं, उनके लिए नहीं है। ये तब है जब आप सेल्फ शिप कर रहे हो। तो एक तरीके से इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये आपके काम का नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जो कट ऑफ टाइम वाला है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हैंडलिंग टाइम, हैंडलिंग टाइम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वन डे का दिया होता है। इसमें ये है कि आपको हैंडलिंग टाइम मतलब कितने दिन में ऑर्डर आप हैंड ओवर कर देंगे। तो एक दिन बहुत काफ़ी होता है, जैसे आपको आज ऑर्डर आया तो आप कल इसको प्रोसेस करके दे देंगे। तो आप अपने हैंडलिंग टाइम को वन डे रख सकते हैं या मैक्सिमम 2 डेज रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो उसको बदल सकते हैं 1 डे से 2 डे और सेफ दबा सकते हैं। इसके अलावा है ऑर्डर हैंडलिंग कैपेसिटी, ये न्यू फीचर है ऑर्डर हैंडलिंग कैपेसिटी का। अगर आप इस ऑर्डर हैंडलिंग कैपेसिटी को यूज़ नहीं करेंगे, या आपको ये जेन्यून एडवाइस दे रहा हूँ, अगर आप खासकर नए सेलर हैं तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपको ऑर्डर ही कितने आते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है, अगर आप ऑर्डर हैंडलिंग की कैपेसिटी यहाँ पर कुछ डालते हैं तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम आपको इतने ही ऑर्डर आएंगे, समझ रहे हैं आप। तो इससे क्या होगा, आपकी बहुत ही ज़्यादा आपकी जो जो मैट्रिक्स है परफॉर्मेंस है ख़राब हो जाएगी। इसमें इन्होंने साफ बताया हुआ है कि कस्टमर एक्सपीरियंस पुअर हो जाएगा और मैट्रिक भी आपकी ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें, कुछ लोग सोचेंगे कि मैं 8 ऑर्डर डालूँ बस, 8 से ज़्यादा मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा, 10 से ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। इससे आपका जो अमेज़ॉन का परफॉर्मेंस है पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। ये मजबूरी में सिर्फ यूज़ किया जाता है, नहीं तो नहीं किया जाता। बहुत से लोग कर लेते हैं इसको यूज़, इसलिए बता रहा हूँ मैं, अब मत करना इसको यूज़, ठीक है ना। तो उसको खाली रहने देना, ठीक है। अब अगला कॉलम आ रहा है ये हॉलीडेज़ का। अब ये हॉलीडेज़ जो है बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं। ये हॉलीडेज़ से ये पता चलेगा कि आपको किन किन दिन पे इजी शिप वाले काम नहीं करेंगे, पिकअप नहीं आएंगे, ठीक है। आप उसका एडिट भी कर सकते हैं, मतलब आपको कोई छुट्टी लेनी हो तो, मतलब एडिट दबाएंगे तो किसी तारीख पर छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन आपको ये भी नहीं करना है क्योंकि इससे भी आपकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी आप छोड़ देंगे, हॉलीडे नेम अगर आपको डालना हो बात अलग है, नहीं तो फिर छोड़ देंगे अगर कोई सच में इंपॉर्टेंट है तो। पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। और इसके बाद है ये शिपिंग प्रोग्राम। सब शिपिंग प्रोग्राम्स हैं ये जो प्राइम कस्टमर्स हैं, मतलब इजी शिप प्राइम, लोकल शॉप्स प्राइम, ठीक है, या फिर इजी शिप गारंटीड, ये सब उनके लिए है। तो आपके लिए या एज अ बिगनर तो ये पूरा कॉलम ही काम करनी है, तो आप इसको ऐसे छोड़ देंगे। अगला है, आपको इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप किसके थ्रू शिप करना चाहेंगे। यहाँ आपका ऐसे लिखा होगा, यू आर करंटली शिप थ्रू बोथ इजी शिप एंड सेल्फ शिप। इसका क्या मतलब है, इजी शिप तो वो होता है कि अमेजोन वाले आएंगे आपका प्रोडक्ट पिकअप करेंगे और वहीं डिलीवर करेंगे, और सेल्फ शिप ये होता है कि आप अपना
कुरियर की कंपनी है खुद से अरेंज करेंगे और आप उन्हें जो भी है पिकअप करवाएंगे, उनके यहाँ देके आएंगे प्रोडक्ट, और वो आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुँचाएंगे। अब इसमें एक समझने की चीज़ है, वो क्या समझने की चीज़ है, देखिए जब भी आपका ये दिया होता है इजी शिप और सेल्फ शिप, तो आमतौर पे क्या होता है, जब भी आपका ऑर्डर कोई भी आता है वो इजी शिप से ही आता है, ठीक है। इजी शिप से सिर्फ तब नहीं आता है, मान लीजिए किसी ऐसी जगह से ऑर्डर आया जहाँ पे इजी शिप के अमेज़ोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा बहुत ही कम होता है। फिर ऐसे में आपको सेल्फ शिप के ऑर्डर आते हैं, फिर आप उससे अपना सेल्फ शिपिंग करवा सकते हैं अपने कुरियर से, ठीक है। तो ये अपने कुरियर से आपको कराना है तो यार सेलेक्ट करके सेल्फ शिप के आप ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, बिगिनर के लिए भी कोई फ़ायदा नहीं है, और जो कोई बड़ा सेलर है उसके लिए भी कोई भी फ़ायदा नहीं है सेल्फ शिप का, आपको फ़ायदा नहीं है। देखिए प्रॉब्लम ये है, अगर आप सेल्फ शिप करते हैं सबसे पहले तो उसमें फैसिलिटीज़ बहुत ख़राब हो जाएंगी, मतलब कुरियर कंपनी चुनते हैं सबसे पहले तो वो पिकअप के लिए आपके घर आएगी कि नहीं आएगी, दूसरी बात अगर पिकअप के लिए आएगी वो टाइम पे आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि अमेज़ॉन वाले टाइम पे आते हैं, दूसरा ये वो डिलीवर करेंगे कस्टमर तक प्रोडक्ट की नहीं, ये भी आपकी हेडेक है, वो शायद ना भी करें, बहुत दिक्कत आती है प्राइवेट कंपनी के साथ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है वो कस्टमर को डिलीवर भी नहीं करें, वो फ्रॉड भी कर दें। इसके अलावा अमेज़ॉन वाले एक सुविधा देते हैं इजी शिप वाले, ये कस्टमर से प्रोडक्ट लेके आते हैं वो चेक करके लाते हैं, हालांकि बाद में वो भी फ्रॉड कर लेते हैं बात अलग है, लेकिन ये तो चेक भी करके नहीं लाएंगे प्रोडक्ट को। तो किसी भी कीमत पर आपको सेल्फ शिप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, हालांकि बहुत भारी आइटम्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी आइटम्स होते हैं, अमेज़ॉन इजी शिप उसमें सुविधा नहीं देता है, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको इसको ऑप्शन नहीं करना है इस फील्ड को, ठीक है ना। ये आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि रिटर्न वगैरह लॉसेस वगैरह तो सेम वैसे ही रहेंगे, और जो थोड़ी थोड़ी बस सुविधा होती है और जो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं आप, वो भी चला जाएगा, तो ये बेवकूफ़ी नहीं करनी, ये काम करना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये तो था सबसे इम्पोर्टेंट जो सेटिंग्स थी, आपको मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या सेटिंग्स रखनी है जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है। अब शिपिंग चार्जेस का, यहाँ आप दबाएंगे इजी शिप, यहाँ पे दो टैब्स होंगे, एक्चुअली दो ने तीन टैब्स होंगी, एक होगी B2B इजी शिप की, ये सिर्फ उनके लिए है जो अमेज़ॉन B2B में रजिस्टर्ड है, अगर आप अमेज़ॉन B2B पर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये टैब आपके किसी काम की नहीं है। तीसरी सेल्स शिप की है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले इजी शिप है, यही मेन है, इसको ही जानते हैं हम, ठीक है। तो इजी शिप में क्या है, यहाँ तीन तरीके के आपको जो होंगे कॉलम्स दिए गए होंगे इजी शिप में, होगा लोकल, एक रीजनल और नेशनल। लोकल, रीजनल, नेशनल में पहले फ़र्क समझते हैं। लोकल तो ये है मतलब आप जिस शहर से हैं उसी शहर में डिलीवरी करनी हो, फॉर एग्जांपल अगर आप जयपुर से हैं, शहर में की बात कर रहा हूँ, आगरा से हैं या किसी भी शहर से हैं, तो इसको तो कहते हैं लोकल डिलीवरी, ये लोकल के चार्जेस होंगे। रीजनल होगा मतलब आपके रीजन में, मतलब आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लिए, ठीक है। आप साउथ से बिलोंग करते हैं सिर्फ साउथ इंडिया के लिए, और नेशनल होता है मतलब कि रीजन से भी बाहर, मतलब आप नॉर्थ इंडिया से और आपको ऑर्डर आ रहा है साउथ से या वेस्ट से आ रहा है या ईस्ट से आ रहा है, तो उसको बोलते हैं नेशनल। तो लोकल, रीजनल और नेशनल, आपको इन तीनों के चार्जेस सेट करने होते हैं। अब आप इसके चार्जेस कैसे सेट करेंगे, आप एडिट दबाएंगे और यहाँ पर एडिट दोबारा दबाएंगे, तो सबसे पहले आपको पूछा गया है कि पर आइटम वेट के हिसाब से आप शिपिंग चार्ज करेंगे कि प्राइस बैंड के हिसाब से। पर आइटम वेट के हिसाब से हम सीखेंगे, प्राइस बैंड के हिसाब से तब होता है कि इतने रुपए के प्रोडक्ट पे आप इतने रुपए का लेंगे, ये कोई भी नहीं करता है प्राइस बैंड के हिसाब से, तो आप क्योंकि अमेज़ॉन भी आपको वेट के हिसाब से चार्ज करेगा, तो इसलिए आप पहला वाला ऑप्शन चुनेंगे, ठीक है। ये तब होता है प्राइस बैंड के हिसाब से जब आपकी बहुत ही ज़्यादा प्राइजेस में वेरिएशन हो, ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है आमतौर पर, तो हम ये वाला ऑप्शन ही चुनेंगे, पर आइटम और वेट बेस्ड, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ चार्जेस डालने हैं लोकल, रीजनल और नेशनल के, तो लोकल, रीजनल और नेशनल के शिपिंग चार्जेस हैं सबसे पहले तो पर ऑर्डर के हिसाब से है, मतलब पर ऑर्डर आप लोकल कितना लेंगे, जैसे मैंने यहाँ डाला 30, आप अपने हिसाब से डालेंगे, ठीक है। रीजनल में कितना लेंगे, मैंने 60 डाला है यहाँ, और नेशनल में कितना लेंगे पर ऑर्डर के हिसाब से, मैंने 85 रुपये डाला है, आप अपने हिसाब से डालेंगे। इसके अलावा ये है प्लस, क्या आपको पर ऑर्डर चार्जेस भी लेने हैं, मतलब पर ऑर्डर में आप जो चार्जेस लेंगे आइटम के हिसाब से लेंगे कि पर 500 kg के हिसाब से लेंगे। अब इसमें क्या है मैं आपको बता दूं, जैसे आपने यहाँ चुना आइटम, और जैसे आपका यहाँ पर ऑर्डर का शिपिंग चार्ज है 30 रुपीज़, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर डाल दूंगा मान लीजिए 30 रुपीज़ और यहाँ पे मैं डाल दूंगा मान लो 60 रुपीज़ और,
तो अब इसमें क्या होगा, अब मान लीजिए इसमें यह होगा कि आपने लोकल के लिए 30+30 लगा दिया है, तो आपके शिपिंग चार्ज जो होगा 30+30 60 रुपीज़। और इसके अलावा अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट के पर आइटम मतलब दो दो से ज़्यादा करता है, मतलब एक सॉरी एक से ज़्यादा करता है, अगर ऑर्डर करता है एक से ज़्यादा, तो 30+30 60 लगेंगे। ठीक रीजनल में भी ऐसे होगा, 60 रुपीज़ पर ऑर्डर प्लस 60 रुपये पर आइटम। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 120 रुपये का शिपिंग चार्ज। और अगर कस्टमर एक और पीस खरीदता है आपके आइटम का, तो ये तो इतना ही लगेगा पर ऑर्डर, लेकिन पर आइटम के 60+60 तो हो गया 120+60 180 रुपीज़। तो इस हिसाब से होगा, आप पर आइटम के हिसाब से डालना चाहें या नहीं डालना चाहें या आपके ऊपर है या आपकी इच्छा है। ठीक है, अच्छा आप एक और बात, अब मैंने ये तो आपको बताया शिपिंग चार्ज ये आप डाल लेंगे, इसके अलावा 2 डेज डिलीवरी है और 1 डे डिलीवरी है, यहाँ आप चार्जेस डाल सकते हैं। वैसे तो अगर आपने इनके प्राइम मेंबरशिप के लिए ऑप्शन इन किया है, मतलब अमेजन एफवी के लिए, नहीं तो ये फ्रीज आपके काम के नहीं है, इसमें आपको कुछ भरने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए नहीं है। अब मैंने आपको ये इनमें क्या बताया था कि आप इसमें पर ऑर्डर और पर आइटम के हिसाब से अगर जितना डालना चाहे डाल लेंगे चार्जेस। ठीक है, आप तो जितना चाहे डाल सकते हैं, लेकिन अमेजोन आपसे कितना चार्ज करेगा, समझ रहे मेरी बात को? मेरे कहने का मतलब है कुछ फर्क नहीं पड़ता आप इधर कितने भी चार्जेस डालें, अमेजोन को तो आपसे जितना लेना होगा वो लेगा। ठीक है, तो आपको शिपिंग चार्जेस यहाँ इस हिसाब से डालने हैं कि आपको नुकसान नहीं हो जब अमेजोन आपको चार्ज करे शिपिंग चार्जेस। तो आप अमेजोन आपको कितने शिपिंग चार्जेस चार्ज करता है ये जानते हैं। दोस्तों यहाँ बताया हुआ है, ये स्टैंडर्ड डिलीवरी का बताया हुआ है, फर्स्ट 500 ग्राम्स के लिए। अगर आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम के अंदर है तो इसका चार्जेस क्या रहेगा, स्टैंडर्ड का एक एस्टीमेट आपको बता दूँ, लोकल का 47, मतलब आपके सब शहर शहर में, रीजनल का 56 रुपये और नेशनल का 77 रुपये प्लस GST 18% और इसके अलावा। ठीक है ना, और अगर 500 ग्राम से अंदर का है तो ये सारे चार्जेस होंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था बैक करेंगे, यहाँ बैक करेंगे तो आपको 2 टैब और मिलेंगे, अमेज़ॉन B2B का जो आपके काम का नहीं है, ये सब B2B सेलर्स के लिए है। और आपने B2B के लिए अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ भी है, तो जैसे मैंने आपको इजी शिप में चार्जेस लगाना बताया ना, वैसा बत लगा सकते हैं। और ये सेल्फ शिप, अब सेल्फ शिप में क्या है, सेल्फ शिप में क्या होगा कि आप अमेज़ॉन की जो दिए हुए कुरियर होते हैं, मतलब आप अमेज़ॉन के दिए हुए कुरियर्स, मतलब यहाँ साइड में क्लिक करेंगे और यहाँ सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप जो शिपिंग सर्विसेज यहाँ से लेना चाहें, डोमेस्टिक शिपिंग सर्विसेज, तो यहाँ से ऑप्शन कर सकते हैं। और आप किस रीजन से कितना पैसा लेंगे आप उस हिसाब से एडिट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था सेल्फ शिप आपको नहीं करना है, तो ये आपके काम का नहीं है, सिर्फ इजी शिप ही केवल है जिसमें आपको करना था। तो ये 2 टैब्स थे सेटिंग्स का और इजी शिप का, जो कि मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।